सिवान में बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारी है। घायल स्वर्ण व्यवसायी की इलाज के क्रम में मौत हो गई है। गोली मारने की बात सामने आ रही है। घटना आगरा थाना क्षेत्र के मितवार गांव के समीप की है। आक्रोशित लोगों ने सदर अस्पताल का बेड बाहर फेंक दिया और शव को सड़क पर रख कर जाम कर दिया। आक्रोशित लोग अपराधी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मृतक गायघाट के रहने वाले 30 वर्षीय लालबाबू सोनी हैं। बताया जा रहा है कि लालबाबू सोनी आंदर बाजार स्थित अपने सोने चांदी की दुकान बंद करके अपने बाइक से घर गायघाट लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बेखौफ नकाबपोश बदमाशों ने उनके ओवरटेक करके सीने में गोली मार दी। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद आसपास के लोगों के द्वारा घायल स्वर्ण व्यवसायी को आनंद फानन में निजी अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने उनका स्थिति नाजुक बताते हुए सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सिवान सदर अस्पताल ले जाने के बाद चिकित्सक की हालत गंभीर बताते हुए पटना PM से रेफर कर दिया, जिसके बाद पटना ले जाने के दौरान उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। इधर स्वर्ण व्यवसायी के मौत होने के बाद स्थानीय लोगों ने सिवान सदर अस्पताल गेट के समीप सड़क जाम कर अपराधी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वही घटना के बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। कितना बार इसको दिखाइएगा, इस को कितना बार मैं नहीं। मनोबल जिस तरह से बढ़ा है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, क्या लगता है किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है? ये बहुत बुरा तरह से घटना का अंजाम दिया गया है और यहाँ प्रशासन की सबसे ज्यादा कमी है। प्रशासन के अंदर एक चीज है, शराब बेचवाओ, शराब पकड़ो, शराबियों को पकड़ो, बेचने वाले को पकड़ो और अपने जेब गर्म करो। कहां से आ रहे हैं? ये आंदर थाना से आ रहे हैं। इनका घर है ग्राम गायघाट। ये दुकानदारी करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं। क्या नाम है? लाल बाबू सोनी नाम है। क्या नाम है इनका? लाल बाबू सोना का इनका दुकान है।